السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये वीडियो जो है वही स्टेट फार्म वाले के लिए बना रहा हूँ, जो सुबह में ऑडियो में लंबा हो चुका था, इसके लिए बना रहा हूँ। तो मैं ये बताऊँ कि मिस्टर मलबारी स्टेट पार्क, तुम जो अपने आप को देड़शाना समझ रहे हो ना, अल्लाह ने तुमसे दुनिया में ज्यादा लोगों को रखा है शाना। क्योंकि अल्लाह ने तीन चीज जो है ना एक सी किसी को नहीं दी है। अल्लाह ने तीन चीज एक सी किसी को नहीं दी है, एक इज्जत है, एक दौलत और एक ताकत है ना। सही बात है ना। तो तुम जो अपने आप को जो बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे हो और जो लोगों के हर बातों के ऊपर हदीस और दलीलें जो बता रहे हो, मेरे को अफसोस है कि ये तुम्हारे जो सब्सक्राइबर है, तुमको कैसे सब्सक्राइब करके तुम्हारा कैसा उन लोगों ने ये किया है। ये तू पहला जो है ना, सबसे पहली बात कि तुम बिकाऊ है, तुम जो है बिकाऊ है। और ये बिकाऊ का जो सबूत जो है, ये मेरे आजकल तो जरा लॉकडाउन वाला मामला है और दूसरी बात मेरे पास वैसा ये नहीं है, नहीं तो मैं तो बिकाऊ का सबूत भी देता था मैं। मगर तुम्हारे जैसे मौलाना लोग जो है ना, बिकाऊ बिकाऊ मौलाना, इनके बारे में मैं कुछ बातें बता सकता हूँ, समझे। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हारा बिकाऊ बना ये साबित इधर कर रहा है कि तुमको पूरी दुनिया में एक हीरा ग्रुप के सिवा दूसरी कोई कंपनी नहीं दिख रही है, दूसरी कोई कंपनी नहीं दिख रही है। तुम बोलता है कि असुद्दीन का तुम्हारा कोई ये नहीं है, मगर असुद्दीन का तुम्हारा सबसे बड़ा ये है। क्योंकि शहबाज जो है इसको वापर के थक गया हो, इसको वापर के थक गया। अब जो है ना तुम्हारा अयारी, ये जो तुम मदरसे में जाके जो मंतिक पढ़ते हो ना, मंतिक, ये मंतिक के बारे में हर आम आदमी नहीं जानता, हर आम आदमी नहीं जानता। मगर मंतिक के अंदर एक ऐसी चीज है, पुलिस के इसमें भी एक ऐसी किताब है जिससे सामने वालों के नजरों में देख के उसका सारा जायजा जो है ना पढ़ लिया जाता है, और वही चीज मंतिक के अंदर भी है, समझा। तो तुम जो मंतिक विंतिक पढ़ के, जो ये मदरसे में पढ़ के जो आलिम बन चुका है, तो इसके लिए तेरे को बताता हूँ भाई कि तू बुकाओ इसके लिए है कि शहबाज इतना कमीना इंसान, इतना गिरा हुआ इंसान, उसकी तू तारीफ कर रहा है, इसका मतलब तू बिकाओ। और मैं तेरे सब्सक्राइबर लोगों से भी ये पूछ रहा हूँ कि इस आदमी के ऊपर क्या हिसाब से तुम लोगों ने सब्सक्राइब किए और भरोसा किए गए, क्या ये इतना बड़ा बिकाऊ है, एक रेपिस्ट है, एक लैंड ग्रेबर का जो साथी है, आपिया प्लाजा को जो है ठग के खा गए ले है, इनकी तारीफ कर रही है। तो इसके इलम का हिसाब लगा लो, इसके इलम का हिसाब लगा लो। और तेरे को ये पूछता हूँ, तेरे को ये इल्म है कि हरम के अंदर कैमरे क्यों लगे, ये इलम है तेरे को? नहीं है ना। तो मेरे पास इलम है वो, मगर मैं बोल के दुनिया के अंदर वो बात को फैलाना नहीं चाहता। कई चीज़ें ऐसी है ना कि पब्लिक को मालूम नहीं है, कई चीज़ें पब्लिक को मालूम नहीं है। जैसे आज इंडिया के अंदर जो चल रहा है कोरोना वायरस और मुसलमानों के खिलाफ एक लंबी, ये तो मुसलमानों या हर किसी मजहब का जो लोग है, कई लोगों को ये पता नहीं है कि ब्रिटिश ने 99 ईयर्स के लीज के ऊपर ही इंडिया छोड़ के गई है। ये किसी को पता नहीं है, वो कभी भी आ सकती है 99 ईयर्स पूरे होने के बाद, समझा ना। तो इसीलिए तेरी मक्कारी जो है कि आज दुनिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसी ये चल रही है कि तू इतना बड़ा मक्कार है, तूने मुसलमानों को तेरे इल्म का फायदा पहुंचाना, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर वाली जो बात है ना, ये किसके लिए? पूरी उम्मत मुसलमान के लिए। एक कंपनी के लिए नहीं है कि हीरा ग्रुप कंपनी के लिए अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, नहीं है, पूरी उम्मत के लिए। तो तेरे उम्र से तूने क्या फायदा पहुंचाया लोगों को? एक हीरा ग्रुप के अंदर बच्चियों को तूने बोल दिया नाच रही है, जबकि वो नाच नहीं रही है, इस हाथ की एक्शन है। अरे इसके पहले भी मैं बताया था कि एक वेश्या होती ना, वेश्या, एक माँ के पेट से जो बच्ची पैदा हुई वो
वो ये नहीं सोचती कि मैं बड़ी होगी जाके कोटे पे बैठूंगी और लोग मेरी बोली लगाएंगे, मेरे पास मेरे खरीदार आएंगे, उसका ये इरादा नहीं होता है। मगर मर्द जो जालिम है ना, मर्द वो धोखे से मक्कारी से उसको उस जगह पे पहुंचाता है, जिस तरीके से अपनी मक्कारी से अय्यारी से तुम लोग जो है ना, शहबाज है, तू है, अवेशी है, अपनी मक्कारी से नगेरा को जेल में पहुंचाए, जेल में पहुंचाए तुम लोग ने तुम्हारी मक्कारी से अय्यारी से। इसके लिए मैं बारहा कहता हूं, और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था कि तू आखिर अगर अल्लाह का बंदा है, नबी का उम्मती है, अगर नबी से मोहब्बत करता है तो इसके बाद में ऑडियो नहीं बनाना, मगर तूने ऑडियो बनाया जिसके अंदर फिर वही तेरी बात। उलमान कुरैशी से बोला ना, मेरा कोई लेना देना नहीं, मगर उसने जो सवाल किया ओवर किया, मगर तू उसको बोल रहा है कि साहबा लोग ने अपना चेहरा नहीं दिखाया तो वो टाइम पे कैमरा नहीं दबे, तब तबीन तक शायद कैमरा नहीं था, उसके बाद में कैमरा आया और कैमरा आया तो फिर ब्लैक एंड वाइट चला, तो जिसके पास जैसा था वैसा उसमें से वो हज़रत मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, ये निज़ामुद्दीन के बड़ों में से थे, उनकी फ़ोटो है मेरे पास ब्लैक एंड वाइट। उनको कहते कि दीन के पाए, उनको कहते कि 10 साल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पे 2 मरतबा गए, 10 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पे 2 मरतबा गए, और आज का मुसलमान तो 500 टाइम जाके खबर के ऊपर नहीं जाने क्या क्या करके आता है। जिंदगी दीन पे लगा दी हजरत मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिंदगी दीन पे लगा दी, मगर क्या कहते थे, इस काले की शक्ल ऐसी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओ, इसके लिए आपकी नस्लों में से 2 शख्सों के साथ 2 मरतबा गए थे, उनके कंधे पे हाथ रखे, उनके पीछे खड़े रहे, बहुत कुछ बताने के लिए मेरे पास, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने बहुत कुछ रखा हुआ है मेरे पास, मगर मलबारी आज भी तेरे को मैं एक ही बात समझाऊंगा कि अगर तेरे अंदर गैरत है, तेरे अंदर अगर गैरत है और तू अगर वाकई अल्लाह का बंदा और नबी का उम्मती है, अम्बिया अलैहिस्सलाम का अगर तू वारिस है, तो इसके बाद में ये तू अपना जो खेल है ना, ये बंद कर देगा लोगों के ऊपर जो तू हदीस और जो कुरान के आयतों का जो ये करता है ना तफसीरा, ये बंद कर दे। जैसे कि मिश्रा काफिर है, इसने तेरे को इजाज़त दिया था मिश्रा को काफिर बोलने की? इसने इजाज़त दिया था? है काफिर को काफिर बोलो, है किधर? हाँ, फिर उसके बाद में तू अपना इसको ये किया नरगिस साहबा को, हाँ फरहाना को, बहुत पर्दे बता रहा। हाँ, अरे अपने घर के अंदर पहले झाँक के देखो कि पर्दे कितने हैं, हाँ कितने पर्दे हैं, समझा ना? अरे दुनिया को दीन और इस्लाम दिखाने की जगह, दुनिया को सही रास्ते दिखाने की जगह तू एक खाली हीरा ग्रुप लेके बैठा है, एक हीरा ग्रुप। यानी कुरान के अंदर ये आया है कि अमर बिल मारूफ और नहीं यानी मुनकर की जो तफसीर है खाली हीरा ग्रुप के ऊपर है ना, यही आया ना? हाँ, अरे मलबारी मैंने पूछा कि एक आलिम अगर लंगा नाश करे दुनिया के सामने तो दुनिया तो जाहिल है, वो तो गाली देगी मारेगी, इसका दिमाग खराब हो गया है, दीन की बात करता और ऐसा कर रहा है, हाँ मारेगी दुनिया। तो इसमें कसूर दुनिया वाले का है कि लंगा नाचने वाले का है? ये जवाब वो लोग भी नहीं दे पाए थे, भाग गए थे, तू भी नहीं दे पाएगा, समझा ना? तेरे जैसे आलिम दुनिया को सही रास्ता नहीं दिखा रहे बल्कि दुनिया को डुबा रहे, दुनिया को डुबा रहे। क्यों डुबा रहे, कैसे डुबा रहे? कि तुम ऐसी हरकतें करो कि जिससे तुमको दुनिया भला बुरा बोले,
अरे तुम यही सोच रहे हो कि हमको भला बुरा बोलेंगे तो जहन्नम में चले जाएगा, तुम जन्नत में जाओगे, है ना? हुकू बोलिए बात। क्या बात किया ना तूने नरगिस आपा से? तो हुकूकुल इबाद में तो सबसे पहले किसका नंबर लगने वाला है? हमारा नहीं, जाहिल लोगों का नहीं, किसका लगने वाला है? तालिबे इल्म, है ना? ये रास्ते दिखाना बंद कर दे, समझा? ये रास्ते बंद कर दे। अल्लाह ने मुझ जैसे सीधे साधे कम पढ़े लोग को तेरे लिए रखा है, तेरे बातों का जवाब देने के लिए रखा है। और हम तो ईमानदार है, अपनी ईमानदारी हमने साबित करते आए हैं कि पहले दिन से लेके आज तक जो है हम सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड की बात कर रहे हैं, एक ही साइड की। दोगले नहीं है, पैसे से बिके हुए नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं ना जो दोगले हैं, जो कभी हीरा ग्रुप के गाने गाए, आज हीरा ग्रुप को बदनाम कर रहे हैं, फिर गाने गाए फिर बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। और अभी शहबाज थक गया, यूनुस तो थक के बाजू हो गया, शहबाज भी थक गया। हाँ, वो एक मीरा रोड का दो तीन मरतबा ऊपर नीचे हुआ, जब देखा कि अब खत्म हो गई बात, तो गाली गलौज का धंधा चालू किया, जिसमें मुझे कई बार गाली गलौज किया, समझा? तो यही मैं साबित कर रहा हूं कि तुझ जैसे लोग जो है ना, लोगों को इतना मजबूर करते हैं कि लोग तुमको गाली देके गुनहगार बन जाओगे, और तुम कहते हो कि अमर बिल मारूफ और नहीं है नहीं मुनकर, समझा ना? तो इसके लिए तेरे को मैं ये दूसरी टाइम बोला हूं कि अगर तू अम्बिया अलैहिस्सलाम के वारिस में से है तो अपने ये धतूरे बंद कर दे, धतूरे बंद कर दे, ये ज्यादा बेहतर है। ये जो टिप्पणी जो करता है ना तू, लोगों के ऊपर तानकशी करता है कि हदीस का इधर ये है, कुरान की आयत इधर बोल रही है, अपने इल्म का गलत फायदा उठा रहा है तू। यहाँ पे तेरे को एक बात और बताता चलूँ, गलत फायदा जो बोला ना, यहाँ पे एक बात अलग बताता हूँ चलूँ कि दीन इतना सस्ता नहीं, दीन इतना सस्ता नहीं, इसीलिए दुनिया में कुछ अलग मजहब के लोग हैं। अगर दीन सस्ता होता ना तो सारे मुसलमान होते, सारे मुसलमान होते, अगर दीन सस्ता होता। और वही बात हो जाती एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयास, दीन अगर सस्ता होता। उसी तरीके से इल्म भी जो है ना, ये सस्ता नहीं है, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको दीन देता है, इल्म देता है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको इल्म देता है, दीन नहीं, इल्म, दीन को दिया हमको, इल्म देता है। अब ये इल्म के लिए अल्लाह ने जिसको चुना उसको इल्म दिया, अब उसके इख्तियार में है कि अपने इल्म को सही इस्तेमाल करे या गलत इस्तेमाल करे। तो जो सही इस्तेमाल करते हैं ना, उनमें से एक भी तेरे जैसा पटर पटर करने के लिए नहीं आता। जो गलत इस्तेमाल करते ना, तेरे जैसे बिकाऊ है, वो लोग लोगों को ये बता रहे, शहबाज थक गया कंप्लेंट करो, कंप्लेंट करो, कंप्लेंट करो, अभी तू थक गया, तू आ गया कंप्लेंट करवाने के लिए। हाँ, अरे तेरे नान में जो जाएगा ना, वो बेचारा बोलते ना, उससे बेचारा बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा जो तेरे नान में लगेगा, क्योंकि दुनिया देखते आई है। अब तू बोलता है तेलंगाना का रिपोर्ट देखना है, नहीं ये करना है, नहीं वैसा है, हाँ ये सुप्रीम कोर्ट में है, आगे नामुमकिन है, ये जो तू बोल रहा है ना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तू जो है लोगों को उकसा रहा है कि गुनाह करो, बुराई के ऊपर कूदो, ताकि मेरा पेट भरे, ये आखिरी वक्त है। क्योंकि अगर आज भी तुम लोग अगर गुनाह नहीं किए, नहीं कूदे, तो मेरा आका ओवैसी मेरे को रोटी नहीं देगा। और तेरा आका ओवैसी जो है ना, कितने गेम खेल रहा है सब समझ में आता है, वो सब समझ में आता है, कितने गेम और कैसे गेम खेल रहा है सब समझ में आता है, समझा? अगर मेरा एक वाला प्रॉब्लम है कि मैं बात करने बैठता ना, तो मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, और तेरे जैसे के लिए तो वीडियो लंबी रहे नहीं, तो बोले तो कोई बात नहीं है, मैं तो यही बोलूँगा। खैर चल, बात ख़त्म करता हूँ, फिर अगर तूने वीडियो बनाया ना तो फिर आऊँगा, फिर आऊँगा। तू बीच में मेरे को बताया था कि रिएक्शन का ऊपर वीडियो डालना हराम,
राजपाट पे वीडियो, सलीम आईफोन गेस पे वीडियो डालना हराम। अरे सारे हराम तेरे को दिखाई दे रहे, तो साले हलाल क्या है बे? हलाल क्या है? हलाल क्या है? सूदी बैंक, दारुसलाम नाम रखा है, दारुसलाम। इसके ऊपर तेरे को नहीं समझ में आ रहा दारुसलाम का मतलब क्या है? सूदी बैंक का नाम दारुसलाम रखा है, ये तेरे को समझ में आ रहा? ये नहीं समझ में आ रहा। इसके लिए बोल रहा हूँ मलबारी, बेहतर होगा ये तू छोड़ दे। ये तो हम तो चल ऐसा समझ ले कि हमको अल्लाह ने गुनाहगार कर दिया, हमको जानने में फेंका, तू क्या जन्नत में चला जाएगा क्या बे? अरे सारे हीरा ग्रुप वाले पकड़ के तेरे को खींचेंगे जहन्नम के अंदर, सब खींचेंगे जहन्नम में तेरे को, समझा ना? कोई नहीं बख्शेगा तेरे को तेरी आराम पाने की वजह से, जो तू दुनिया को वरगला रहा है, कंप्लेंट करने का ये कर रहा है। नहीं तो सबर करो, कंप्लेंट करके देखने वालों ने देख लिए बेचारे रो रहे, क्योंकि तुम लोगों ने इसी तरीके से मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बता के बेचारे लोगों को कंप्लेंट करवाया। अब सब खत्म हो गया, अब तू आया है कंप्लेंट करवाने के लिए, मीठी मीठी बातें करके दी इनके रास्ते की बातें बता के। तू ही एक दुनिया में आलिम बचा है, तू ही एक दुनिया में आलिम बचा है, बाकी सब जो है ना बेइल्म है, बेइल्म है। तू ही एक आलिम है, तेरे को इतनी मालूमात है कौन सी हदीस किधर है, कौन सी आयत किधर है, ये सब तेरे को मालूम है, बाकी सब जाहिल है दुनिया में, है ना? छोड़ दे मलबारी, छोड़ दे, छोड़ दे, कुछ हासिल नहीं होना, कुछ हासिल नहीं होना। चल वीडियो खत्म कर रहा हूं मैं। अब तू अगर मेरी बात का जवाब दिया ना तो समझना फिर क्या होगा। हाँ अगर तेरे अंदर अगर हिम्मत है ना, हिम्मत तो अपने आप को बहुत शादा शाना समझता है ना, तो जरा अपना नाम और अपना फोटो भेज दे। सुबह में बोला था मैं, फिर भी तेरे को बताता हूँ, दबूस परिवार, अल जाबर परिवार और मुरबाट का, समझा ना? अल्लाह के फजल करम से बहुत अल्लाह ने दिया है दुआ पढ़ने के लिए, ये अल्लाह का एहसान है, करम है। जरा अपनी शक्ल और अपना नाम भेज, समझा? ये दुनिया को जो बेवकूफ बना था ना, वीडियो पे ढूंढो, वीडियो पे ढूंढो, वीडियो पे तीसरे का वीडियो चला के चौथे को बताओ बताना का, वो सब छोड़ दो, समझा? जरा फेस टू फेस आके वीडियो बना, फेस टू फेस आके, समझा ना? क्योंकि तू फेस टू फेस जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन तेरे स्वागत के लिए इतने लोग मिलेंगे तेरे को, इतने मिलेंगे, औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, सब मिलेंगे तेरे को स्वागत पे तेरे। उधर हाथों से फेस टू फेस, समझा? चल रखता हूँ, चल बहुत हो गया।